जी राम राम सत श्री अकाल। लाओ जी फिर आगे एक बार कनाडा के एक छोटे से गांव में, कैस्पे करके गांव है कनाडा का, ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा। यहां का मैं ब्लॉग आपको शूट करके बताने वाला हूं आज। तो एक छोटा सा गांव है ये, एंट्री करते हैं हम इसकी। आपको पहले पीछे से व्यू दिखा दें, ये देखिए गाँव है, छोटी छोटी पहाड़ी दिख रही है, अभी अंदर जा रहे, शिप चला हुआ है, क्योंकि 30-40 की स्पीड है, क्योंकि नॉट में बता नहीं सकता ऐसे, नॉट में चला हुआ है ये, अभी 12-13 की नॉट स्पीड दे रखी है इसकी, नॉटिकल में इसकी स्पीड मानी जाती है शिपों की। तो अभी नॉट हम बता नहीं सकते, आपको समझ नहीं आएगा, तो उसकी 30-40 की स्पीड रख लो, अभी 30-40 की स्पीड पे चला हुआ है, ये देख सकते हैं आप नीचे। तो ये सामने जो गांव दिख रहा है, यहां पे हम एंकर ड्रॉप करेंगे। एंकर क्या होता है वो भी आपको मैं बताता हूं, पूरा ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा शिप है, देख सकते हैं कितना ह्यूज बिग वेसल है, पीछे देख सकते हैं हाइट में, ये वेसल बहुत बड़ा शिप है। ये अंदर का एरिया पूरा, यहाँ पे पूरी मशीनरी अपना रोप वगैरह यहीं से डलती है सारी। ये एंकर सिस्टम है, ये पोर्ट का एंकर है, दूसरी साइड स्टारबोर्ड का एंकर है। पोर्ट एंकर बोले तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, स्टारबोर्ड बोले तो आपका राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो ये हम ड्रॉप करेंगे, देख सकते हैं आप कितनी मोटी चेन है, ये पानी के अंदर जाएगी, बहुत हैवी चेन होती है, उसके नीचे एंकर लगा होता है, ये एंकर है, देखो नीचे दिख रहा है पानी की, नीचे ड्रॉप होता है ये। तो इसके सारा लैशिंग सिस्टम हमने खोल दिया है पूरा सिस्टम, और भाई मेरा ये लैशिंग भी खो रहा है, आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे भाई हैं, मेरे पार्टनर है साथ में, ये भाई मेरे सिस्टम पूरी यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। ये भाई ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हाँ ओके, ये भाई का कि ये जो रोप का सिस्टम और ये एंकर, तो ये एक ही मोटर चलती है जो इतनी बड़ी ये मोटर है हमारी, तो जो सिस्टम का हैंड ओवर करें इसमें पावर अलग चले जाती है, क्योंकि हैवी चेन उठानी और रोप तो थोड़ा फ़र्क रहेगा इसमें भी। तो ये भाई ने अभी सिस्टम चेंज कर दिया वहाँ पे, और ये पूरा यहाँ से कंट्रोल होता है, ये यहाँ से पूरा पैनल सिस्टम है, ये पूरा कंट्रोल होता है यहाँ से, ये तो यहाँ से कंट्रोल सिस्टम है पूरा। इस चेन को नीचे पानी में उतारने का, क्यों उतारते हैं हम इसको पानी में, अब आपको ये बताता हूँ मैं। इसको पानी में तब उतारा जाता है जब बड़े जहाज़ किनारे पे नहीं जाते, तो इसको मिट्टी में बिठाना है, तो जब भी जहाज़ पानी में ड्रिफ्ट करता रहेगा, मतलब ड्रैग नहीं होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ये तो ये एंकर पानी में डाल देते हैं हम, तो ये मिट्टी में बैठ जाता है पूरा एंकर, ये इतनी मोटी चेन है ना, बहुत हैवी है ये, आपको कैमरे में जैसा दिख रहा है बहुत हैवी है, मतलब मोटे मोटे ये इसके पार्ट्स हैं, शैकल बोलते हैं हम इनको, ठीक है। शैकल को डेप्थ देखी जाती है, तब डेप्थ के हिसाब से एंकर ड्रॉप किया जाता है। तो ये बाहर का व्यू है, ये पूरा मोरिंग स्टेशन बोलते हैं हम इसको, स्पेशल आपके लिए शूट करता हूँ जिन्होंने कभी शिप देखे नहीं है, शिप कैसे होती है, अंदर से क्या क्या होता होगा सब सोचते होंगे ना, तो अंदर सारा सिस्टम है आपको बता ही दिया मैंने, ऑलमोस्ट ऑल भी नई नई मेरी वीडियो आएंगी अभी चैनल में, नहीं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मेरे इंडियन फ्लॉप यूट्यूबर को, क्योंकि हम तो हैं ही फ्लॉप तो यूट्यूब का नाम है इंडियन फ्लॉप यूट्यूबर अपना। तो देखते कैसे कैसे लॉन्च होती है बोट है, मोटर अपनी पूरी, ये लाइव बोट लोड कर रहा हूँ अभी, जो बोट है जहाँ से छोटी छोटी बोटें होती हैं इनको लोड कर रहा हूँ। सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ब्रीफली आपको समझा नहीं पाऊँगा। ये दो वायरें जो लोड कर रही है नीचे, ठीक है, ये विंच है, इसकी मोटर है, मैनुअल भी चलती है और वही ग्रेविटी भी उतरती है। ऊपर से दिखाते हैं इसको, ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको, देखो आप ये बोटें सारी, ठीक है, ये सारी पानी में उतरेंगी, इससे हम बाहर जाएंगे सारे, मतलब इसकी कैपेसिटी 141 है, 141 लोग एक साथ बैठ सकते हैं इसमें, ठीक है। और अभी ये लोडिंग चल रही है, ठीक है, इसकी लैशिंग डिस्कनेक्ट कर दी है इसकी हमने, यहाँ से ऑपरेट होती है हमारे भाई यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं इसको, और ये बाहर जा रही है अभी, इसको मैं ऑपरेट करके बताऊँगा नीचे जाके क्या सिस्टम है इसका। ये जो आर्म्स होती हैं डेबिट है, ये जो आर्म दिख रही है ना डेबिट बोलते हैं इनको, तो डेबिट हमारे बाहर जा रहे हैं अभी, और ये पूरा सिस्टम है नीचे, मशीनरी सिस्टम है पूरा, तो बाहर उतर चलते शिप पे हम इसको साइड उतारेंगे अभी, देखते जाओ। जो रेड कलर का आपको ये पैनल दिख रहा है सामने, ये जो रेड कलर का ये जो पैनल है, इसको मैं अगर लिफ्ट करूँगा तो बाई ग्रेविटी नीचे जाएगी, ये पावर से भी जाती है और बाई ग्रेविटी इसका वेट इतना है तो ये नीचे चले जाएगी, और इसको अगर मैं ब्रेक ऊपर को खींचूंगा, ठीक है, तो एक प्रोसीजर इसके अंदर जाता हूँ तब आपको अंदर का सिस्टम बताता हूँ। ये जहाज़ का अंदर का व्यू है, पूरे एलिवेटर्स लिफ्टें लगी हुई हैं, ठीक है, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि बोट के अंदर बैठना ऊपर से बैठ के उतरते नहीं, थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए नीचे से हम इसकी एंट्री करेंगे बोट की। एक्शन मशीन वगैरह है जो भी बाहर से आते हैं, पूरा स्कैन होता है, ठीक है, टीम है सारी, पूरी टीम बैठी हुई, रेडी होके बैठी हुई सारी टीम हमारी पे, गाइस रेडी टू गो, यस हियर वी गो, पूरी टीम रेडी है बाहर जाने के लिए। ए सारी टीम देख ली आपने बाहर, आपको एक और ऑफिस दिखाता हूँ जहाँ पे मेरे चीफ फायरमैन अंदर बैठे रहते हैं, गाला मार रहे होंगे, चलो देखते हैं। ये अपना फायरमैन का ऑफिस है, ये पूरा फायर सिस्टम हमारा यहाँ पे है अंदर, ये हमारे
हेलो चीफ फायरमैन किशन फ्रॉम हरियाणा, पूरा पूरा सिस्टम इनके पास है अपना, पूरा फायर का पूरा सिस्टम यहाँ से कंट्रोल है। शिप का जो भी फायर सिस्टम है, अलार्म वगैरह सब यहाँ पे पैनलों पे पता लगता है कि कहाँ पे फायर है, कहाँ पे डिटेक्टर एक्टिवेट हो रहे हैं। स्मोक डिटेक्टर आपको मैं यहाँ से बता दूँ, ये स्मोक डिटेक्टर होते हैं, मतलब कोई भी फ्लेम या आपको कोई भी स्मोक दिखे तो एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो एक्टिव होने के बाद ये सीधा यहाँ पे सिस्टम पैनल में दिखाया जाता है, तो ये पैनल से ट्रेस करते हैं पूरा। तो इनके पास सारा सिस्टम है, इनकी भी खुद की टीम है अपनी। तो आज हमारा ये ऑपरेशन है छोटा सा, जिसको आप जरूर एंड तक जरूर वीडियो देखें और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा फायरमैन का लॉकर, चलते हैं बाहर की तरफ। चल पड़िए, देखो अंदर बंकर स्टेशन से होके एंट्री करते हैं। वादी भाई, ये बंकर स्टेशन, यहाँ से पूरी बंकरिंग होती है। किसकी बंकरिंग होती है? ऑयल की, इंजन के लिए ऑयल यहाँ से पूरा बंकर होता है, पाइपलाइन है पूरी। यहाँ से एक छोटा शेल्टर है जहाँ से बोट ऊपर से नीचे आती है, सेम डायरेक्शन में आती है ऊपर से, तो इस शेल्टर के सामने आती है। टीम रेडी है यहाँ पे खोलने के लिए। भाई लीवर यहाँ से भाई ऑपरेट कर रहा है, ये भी लीवर से खुल रहे हैं शेल्डो। बहुत हैवी, मतलब पावरफुल दरवाजे होते हैं। ये देखो ऊपर से बोट आ रही है, ये बोट पूरी नीचे हमारे को, यहाँ से हम बैठेंगे, नियर बाय रह जाएगा, कुछ है नहीं, इनकेस है नहीं, हैपनिंग भी होती है तो हम सेफ रहते हैं। ये बोट आ गई ऊपर से, ये बोट आ गई, अब नियर बाय आ गई, हम इसमें एंटर करेंगे। अंदर से भाई ने बैटरी ऑन कर दी है गाड़ी की और अपने भाई ऊपर बैठ गए सीट पे। हे एवरीवन इनसाइड, हां ओह लोअर हो गई यहां पे बोट पानी में। ये भाई यहां से लीवर डिस्कनेक्ट कर रहा है, पुल 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 फास्ट, बोट डाउन बोट डाउन बोट डाउन। ये नीचे पुल करने जब पानी में टच होता लीवर ये, तो एक नीचे का वाल होता है वो फ्री हो जाता है आगे से, मतलब हुक डिस्कनेक्ट करनी है। ये वेरी नाइस ब्रो, ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है आगे, फॉरवर्ड और आफ्ट, चेक आउटसाइड, हां फॉरवर्ड आफ्ट हुक, मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियर। अरे भाई जी हमारे जॉयल भाई पूरी ड्राइविंग करते हुए। वेसल से दूर कैसे होते हैं ये देख सकते हैं आप, एंकर ड्रॉप जो आपको मैंने बताया था ये देख सकते हैं, वो हमने पानी में भाई मशीनरी से इसको पानी में ड्रॉप कर दिया अभी, और ये हम वेसल से दूर हो गए अभी। तो मेन मास्ट पूरा नेविगेशन सिस्टम जो भी होता है पूरा भाई ने पूरा ऊपर से ये फ्लैग होस्ट कर दिया, पूरा लाइटिंग सिस्टम ऑन है। तो वेसल से हम दूर हो गए हैं, सारी बोटें वैसे से हम यहाँ से ट्रांसफर होंगे सारे यहाँ से। ये हमारा पूरा जहाज, ये इमरजेंसी में अगर वेसल में इनकेस कुछ हो जाता है, वैसे सबसे सेफेस्ट बोट तो हमारा जहाज ही, इतना बड़ा ये बीच समुंदर में तो सबसे बेस्ट यही है, पर ट्रेनिंग पर्पज से हमारा उस दिखाया जाता है कि ऐसे उतरना ये सब प्रोसीजर होता है। तो मेरी सारी वीडियो सेम एज ए ट्रेनिंग पर्पज भी आप इसको देख सकते हैं। तो एंकर गिर चुका है और एक बोट नीचे आ चुकी है, अब दूसरी बोट का इंतजार करेंगे। जैसे दूसरी बोट आएगी वहाँ पे बंदे ट्रांसफर हो जाएंगे, चार बोटें हम उतारेंगे और सारा जो लोग हैं इस जहाज में जितने वो शोर साइड जाएंगे, जो इस जो बाहर सिटी दिखती है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम। ये पूरा जहाज है, दूसरी बोट वहाँ पे उतर रही है, देखो इसके नियर बाय जाएंगे और बंदे ट्रांसफर हो जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है, जो भी हम सारे लोग हैं सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। गिव अप तो करना नहीं जिंदगी, गिव अप तो है ही नहीं भाई सारी जिंदगी में, गिव अप वर्ड ही नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई भी जो भी सिचुएशन है उसको फेस करना है। देखो नर्वस हो गए तो कोई फायदा नहीं है ना, तो ऑलमोस्ट पब्लिक डर जाती है लॉन्चिंग प्रोसीजर में, कैसे बोट उतरेगी क्या होगा, ये सब नर्वस तो बचेंगे नहीं, तो इस तरह हंसते खेलते लॉन्च कर दो जैसे भी करनी है, ठीक है। दूसरी बोट में आ गए हम, ट्रांसफर हो गए, दूसरी बोट पीछे चले गई हमारी, अब ट्रांसफर हो गए, अब मैं जाऊँगा चौथी बोट पे, ठीक है। दो पानी में उतर चुकी हैं, दो बाकी हैं, उसका मैं ऊपर सीट में बैठ के पूरी हिस्ट्री बताऊँ कैसे चलती है और क्या प्रोसीजर उसके सारे, ठीक है। भाई ना पूरी स्पीड दे देती है, लॉन्च होने पर स्पीड देता मेरा भाई। ये जहाज़ है, पूरा जहाज़ आगे से पीछे तक देख सकते हैं, पूरा वेसल है ये, ऐसे पानी में ये तैर रहा है। ये भी एक मैकेनिज्म है, पता है कितने मीटर का जहाज़ है ये, एस्टिमेट बताओ आप, कम से कम 280 मीटर की लेंथ का जहाज़ है ये, और इसकी ग्रॉस टन बोले तो 70,000 टन का ये वेसल है, इतना बड़ा। ये भी छोटा वेसल, इससे बड़े बड़े वेसल हैं जो 350-400 मीटर जहाज़ हैं, वो देख सकते कितना बड़ा जहाज़ है ये। देखो ये तीसरी लाइव बोट, देखो ऊपर से देखो जो वायरस से दिख रही है ना आपको, ये पानी में टच कर रही, यहाँ से टच करने के बाद जो लीवर बताया आपको वो फ्री हो जाता है। अगर वो टच नहीं है तो वो ऑन लोड रिलीज करना है, वो समझ गए ना ऑन लोड रिलीज और ऑफ लोड रिलीज में क्या फ़र्क है, ठीक है। अभी ये टच हो गए तो वो रिलीज हो चुका है, वो इस टाइम फ्री हो चुका होगा लीवर हमारा, ठीक है। तो हम इसके क्लोज जा रहे हैं बोट के थ्रू, ये मेरी बोट है, अभी इसको मैं चलाता हूँ, बोट में जा रहा हूँ। भाई जी मेरे चंद्र जी वीडियो शूट कर रहे हैं, भाई जी बताओ कैसे जाते हैं बोट में, बोट ट्रांसफर कैसे होती है? काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है, पानी में गिर सकता है, तो इसने जो लाइफ जैकेट पहना है भाई ने, बोट टू बोट ये भाई एंट्री करेगा इसमें, यहाँ का दरवाज़ा बंद है तो आगे से जाएगा, और उसके बाद बैटरी चार्ज करके
फिर आपको बाकी का वीडियो खुद ही दिखाएगा वहाँ से। हम लोग अब अगले बोट में जा रहे हैं। या ब्रो रिलीज। ये भाई ने डिस्कनेक्ट कर दिया आगे, क्योंकि डिस्कनेक्ट है। मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी, ठीक है? ये ऑन, ये हीट करने थोड़ा सा और स्टार्ट। स्टार्ट इंजन स्टार्ट हो गया, पोर्ट करूँगा स्टार्ट। दोनों इंजन स्टार्ट है, देखो आगे मेरा क्लियर है। यहाँ से इसे हेड मारूंगा थोड़ा सा। ब्रो चेक द ब्रेक वायर, चेक द ब्रेक वायर, वी हैव टू चेक एवरीथिंग। पूरा रेडियो कम्युनिकेशन है BHF अपना, यहाँ से हमें मैं रेडियो चेक भी करूँगा, ठीक है? पैनिक नहीं होना है, जब भी लॉन्च होगी बोट स्पीड कभी भी नहीं देनी है नियर बाई। जब भी आप बोट के शिप के अलॉन्ग साइड हो, हल्का हल्का मूवमेंट करना आगे, ठीक है? तो मैं आगे आगे हल्का हल्का कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा RPM दे रहा हूँ। देखो 10 पे चल रहा है RPM, स्टार्ट पोर्ट इंजन, ठीक है? हम यहाँ से दूर हो गए, उसके बाद मैं ये अपने रडार एंगल होता है, ठीक है? इंडिकेटर इसका यहाँ पे है, इसको मैं पोर्ट साइड कर लूँगा, क्योंकि मेरे को पोर्ट साइड करना है, अपना बोट क्लियर करना है यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखो अभी पूरा पोर्ट की तरफ चलेगा धीरे धीरे, यहाँ से मूव करूँगा। यहाँ पे गेज, फ्यूल का गेज है साथ में ही, गेज फ्यूल बता रहा है कितना फ्यूल है अभी। और ये इको साउंडर है, डेफ्थ बताता है, ठीक है? इको साउंडर है हमारा, ठीक है? ये यहाँ से फ़ैन है, फ़ैन ऑन कर लेना हमेशा इंजन का कूलिंग के लिए। और ये हमारी मैग्नेटिंग का पास है, पूरी मैग्नेटिंग इसको बताएगा, ब्रिज बता देता है हमें कि 230 पे चलना है, 240 पे चलना है। वैसे हमारे को अपना आइडिया पता होता है, तो फिर यहाँ से भी पूछ सकते हैं आपकी क्या रूट है जब फर्स्ट टाइम। और हमारे पास मैप भी दे रखा है ये पूरा, इस मैप से हम पूरा देख सकते हैं, ठीक है? ये पूरा सी है, ये पूरी लैंड है, सब दिखा रहा है यहाँ पे कितनी डेप्थ है, ठीक है? यहाँ से बैठ गया हूँ, अब यहाँ से पहले मैं कम्युनिकेशन चेक करता हूँ। पहले तो मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे अंदर आ गया। ब्रिज ब्रिज टेंडर 4 रेडी चेक, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। तो यहाँ से दोबारा से मैं कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूँगा, दोबारा से मैं यहाँ से देख लेता हूँ। चैनल सही है मेरा, चैनल यहाँ पे सीधा हमारे को बोला 16 नहीं यूज़ करना है, क्योंकि सी में 16 चैनल यूज़ होता है, हम करेंगे 17 चैनल यूज़, ठीक है? चैनल में चेंज कर लें, 17 पे आ गए, दोबारा से वॉल्यूम फुल है, दोबारा से मैं चेक करने की कोशिश करूँगा। ब्रिज ब्रिज रेडी चेक, radio check for Ankush, correct? Yes, for tender 4, Ankush is driver, ready check. Loud and clear, thank you. यहाँ पे रेडी चेक हो चुका है, मैंने बता दिया मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ सारा, ठीक है? तो ये पूरा सिस्टम है, अब लैंड की तरफ बढ़ते हैं और पूरा सिनेरियो देखते हैं कैसे कैसे लोडिंग करें यहाँ पे, ठीक है? तो ये अंदर से बोट है पूरी, अंदर से बैठे पूरी लोड करके ले जाऊँगा यहाँ से। तो अपनी जॉब यही है यहाँ पे आज के लिए, ड्राइविंग करनी है। और जब हम शिप समुंदर में चलता है तो हम मेन शिप चलाते हैं ऊपर से, वो भी हम ही चलाते हैं, वहाँ पे कोई और नहीं आता चलाने, वो भी हम ही चला रहे हैं वेसल, ठीक है? तो ये हमारे को ये कमांड दे रखी है, पूरा सिस्टम है। ये फायर सिस्टम भी है इंजन में, फायर कुछ है, ऐसा सिस्टम है जो शिप पे है, वो सेम यहाँ पे सिनेरियो मिलेगा, स्मॉल पार्ट्स रहेंगे पर सेम सिनेरियो है। आपका फायर सिस्टम है, अगर फायर फायर है इंजन में तो कुछ ऐसा स्मोक आ रही है या कुछ हो रहा है तो यहाँ से सिस्टम आ जाता है, ठीक है? ये गेजेस वगैरह हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा अंदर डीपली आपने रीड करना है तो ये पावर बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है कि बैटरी की पावर कितनी है, अभी ये इंजन का वो दिखा रहा है कि कितना वार्म अप हो रखा है इंजन, अभी 40 दिखा रहा है, तो 80 डिग्री है मैक्सिमम, 80 है, इससे ऊपर हो तो इंजन में कुछ फॉल्ट है, ठीक है? ऐसा याद करके चलना। हर लाइव बोट्स, हर टेंडर का अलग अलग सिस्टम है, तो अपनी बोट का ये सिस्टम है, ठीक है? और ये अपना PSI सिस्टम है, बार का सिस्टम है, जो नीचे का मेन प्रेशर होता है, ठीक है? वो सारा बता रहा, तो दोनों इंजन में सेम रहता है। ये स्टारबोर्ड, ये पोर्ट, ये आपको बता दिया, पोर्ट इंजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और स्टारबोर्ड बोले तो राइट हैंड साइड होता है, शिप की कमांड है, ठीक है? तो मिलते हैं बाहर की तरफ, कैसा व्यू और कैसी सिटी है बाहर ये। तो मैं आपको बताने भूल गया, सॉरी फॉर दिस। ये जब भी इंजन आप उतर रहे हो, ये 40 जो टेम्परेचर बता रहा है इसको, स्टार्टिंग में तो आपको पता है गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं सेम गाड़ी का प्रोसीजर है, उसको वार्म अप करने पड़ता है, उसके इंजन को हीट एक्सलेटर देने पड़ना, तो इसका एक्सलेटर का स्टाइल क्या है, इसको प्रेस करूँगा और मैं इसको वार्म करूँगा, तो इसको मैं प्रेस करके, ये प्रेस करना है उसको, और या फॉरवर्ड और ऑफ देख सकते हैं इसको, देखो अभी ये गाड़ी चलेगी नहीं, सिर्फ वार्म अप हो रहा है इंजन, तो सेम इंजन ऐसे कर लेना हमेशा जब भी आप उतर रहे हो। हाँ एमरजेंसी में सब टाइम ही नहीं होता हमारे पास करने का, तो एमरजेंसी में तो करना ही नहीं है। और वेदर कनाडा में अभी तो ठीक ही है, 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर, धूप निकली हुई बाहर, तो कोल्ड में ज़्यादा ये जरूरत पड़ती है सब करने की, तो ये ज़रूर आप ये सिस्टम भी यूज़ कर लेना। और ये पूरा, ये भी आपको मैंने बताने भूल गया, देखो ये हॉर्न सिस्टम, वाइपर सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, जो लाइट वगैरह सारा सिस्टम यहाँ पे है ये, ठीक है? पहले तो एंकर बताता हूँ मैं,
एंकर मैंने बताया था क्यों डाला जाता है, क्या पर्पस है। अब देखो इसका पर्पस, ज़्यादा नज़दीक तो नहीं जा सकते, इसका पर्पस देखो आप। अभी देखो चेन लीडिंग हमने नीचे डाल रखी है, ठीक है। अब ये पूरी नीचे मड में, यानी कि मिट्टी में बैठ रखा नीचे। तो जैसे हमारे स्टार बोर्ड में शायद 12 शैकल हैं, जैसे एक शैकल हमारा 27 समथिंग है, 27.3 or 2 है ना। तो ऐसे लेके इसको कैलकुलेशन करके नीचे की डेप्थ हम हर को पता होता है सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम में दिखाई जाती है अपनी डेप्थ, और इको साउंडर से डेप्थ पता लग जाएगी हमारे को, तो उस हिसाब से हम नीचे एंकर डालेंगे। तो ये क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ठीक है। जैसे अभी अप एंड डाउन बोल सकते हैं इसको, अभी कोई पूछेगा एंकर की चेन लीडिंग क्या है, तो अप एंड डाउन। अगर ये घड़ी जैसे आप फॉरवर्ड है ना जहाज के, बिल्कुल फोक्सल आगे को, देखिए ऐसे फोक्सल है तो घड़ी ऐसे चलेगी, देखो 1 2 3 इस साइड को चलेगी तो 11 10। तो वैसे आपने इसको रीड करना है, तो अभी अप एंड डाउन है। अगर इस साइड को चली जाएगी तो 3 o'clock बता देने का, लॉन्ग स्टे, लंबी टाइट हो रखी चेन तो लॉन्ग स्टे, ढीली चेन है तो मीडियम स्टे बोल सकते हैं, 3 o'clock मीडियम स्टे, ठीक है। तो ऐसे रीडिंग बतानी होती है, 9 o'clock को बता सकते हैं, 10 o'clock बता सकते हैं, 11 o'clock, तो अगर ब्रिज अगर पूछे तो। और क्या भाई, सारा एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, बाकी सारा सिस्टम ही बता दिया आपको मैंने। अपनी गाड़ी में सनरूफ भी है, देख सकते हैं गाड़ी में सनरूफ भी है, सनरूफ खोल रखा भी, गर्मी ज़्यादा लग रही है ना इसलिए सनरूफ खोल दिया गाड़ी का। तो बस ज़्यादा और नहीं, बस यही है सारा लॉन्चिंग प्रोसीजर, और जो भी ऑपरेशन होते हैं सेम ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो भी और जहाज़ों में, बड़े जहाज़ों में होते हैं, ये भी बहुत बड़ा जहाज़ है तो ऑलमोस्ट सेम है। पैनिक नहीं होना है और गिव अप नहीं करना है, कोई काम नहीं आता उसको पूछना है, एक्सीडेंट से बचना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो सेफ्टी है ना। तो बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर का व्यू दिखाता हूँ। हाँ, एक सिस्टम और दिखाता हूँ आपको, रुको एक देखो, ये लीवर है, इनसे भी आप प्ले कर सकते हो। रडार आपकी मिडल में, बिल्कुल रडार एंगल मिडल में, पोर्ट इंजन, स्टारबोर्ड इंजन, अगर मैंने इसको टर्न करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको फॉरवर्ड मारूंगा और इसको करूंगा स्टर्न, तो मेरी बोट कहाँ घूमेगी, स्टारबोर्ड की तरफ। देखो ऑटोमेटिक घूमे, कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखना ये ऑटोमेटिक घूमने चालू हो जाएगी। देखो अगर आपको देख पा रहा होगा तो देखो पूरी ऑटोमेटिक घूम रही है, और मेरे को लग रहा है आगे ज़्यादा जा रही है, मेरे पास आगे कम स्पेस है और आगे ज़्यादा जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लीवर को आगे करने वाले लीवर इसको मैं कर दूँगा मिडल में, या स्टर्न मारता रहेगा इसको कर दूँगा न्यूट्रल, तो बोट मेरी स्टेबल होगी एक पोजीशन पे। इस तरफ घुमानी है तो सेम एज इट इज़, ऑपोजिट कर देना इसका, यहाँ से पोर्ट और ये स्टार बोट है, यहाँ देखो अब घूमेगी स्टार बोट की तरफ, देखो घूम रही है ना, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बस थोड़ा ये भी, इससे भी आप प्ले कर सकते हो, ये नहीं कि ज़्यादा वहाँ पे पैनिक हो गया अप्रोचिंग के टाइम कि क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, तो थोड़ा ये सब नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये लोडिंग स्टार्ट कर दिए जी, सारे गेस्ट वन बाई वन, इतने बड़े बड़े लोग जाते हैं घूमने, फुल एंजॉय कर रहे हैं अभी ज़िंदगी का, ठीक है। ऐसे बैठेंगे पीछे, देख सकते हैं कितने ओल्ड गेस्ट हैं। हेलो हेलो, लोडिंग चालू इनकी, एम्बर्गेशन चालू पूरा गेस्टों का, ठीक है। यहाँ पे बिठाऊंगा इनको सभी को, ये पूरा चार्ट है नेविगेशन का, ठीक है, सब बताया है, वेसल कहाँ खड़ा है, देखो छोटा टैंकर दिख रहा है यहाँ पे, वेसल भी खड़ा है, और कितने नॉटिकल माइल है, 1.5 नॉटिकल, 1.2 नॉटिकल माइल, और पूरा एरिया बता रखा है, ठीक है। तो हमें इस चार्ट को देख के प्रोसीड करना है, बाकी हमारे पास मैग्नेटिक कंपास भी है और कम्युनिकेशन 24/7 यहाँ पे कनेक्ट रहती है ब्रिज से, शिप से, कहीं रॉन्ग जा रहे हो तो वो कम्युनिकेट करेंगे हमारे को। गाड़ी पूरी फुल रखी है तो मैं प्रोसीड करता हूँ शोर साइड की तरफ, ठीक है। तो बाहर का व्यू देखते हैं, और ये चले बाहर की तरफ, दे दिया मैंने इंजन ए हेड, और वो सामने चेन आपकी एंकर की, चल पड़ी जी गड्डी बाहर, अब शलांगे मारती आ रही है वो गड्डी अपनी, ए हेड दे दूंगा इंजन, स्पीड दूंगा थोड़ी सी 20 RPM रखूँगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा हीट हो जाते हैं इंजन, लॉन्ग टाइम रनिंग है ऑपरेशन है ये, तो थोड़ा आराम से जाना है मस्ती करते हुए, ठीक है। फुल लोडेड है, फ्रंट व्यू भी दिखाता हूँ वेसल का, ऐसा दिखता है फ्रंट व्यू। चलते हैं बाहर की तरफ, लेट्स गो। इको साउंडर जो मैं बता रहा है डेप्थ बताता है नीचे, ये हराई दिखा रहा है, बोट्स की स्पीड बता रहा है 9 knots, और डेप्थ बता रहा है 11.7 मीटर में बता रहा है, ठीक है। और अपनी बोट एक बाहर से वहाँ से चली गई है बोट, और मैं सामने प्रोसीड करूँगा जी। गेस्टवे जी, ये है ब्यूटीफुल सिटी, इसके बारे में आपको बताना चाह रहा था, ये है पूरी सिटी गेस्टवे कनाडा की, छोटा टाउन है पीछे की तरफ, ये ब्रिज से ऊपर मेन ब्रिज है, यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं उस टाउन की तरफ जाती हैं, शॉपिंग यहाँ पे
ठीक ठीक ये कनाडा में ही है, सेम रेट है कनाडा का, कनेडियन डॉलर्स। और छोटा टाउन है, इस तरफ जाएंगे तो पीछे भी टाउन है इसके। और पूरा यहाँ के ये लोग यहाँ पे पूरे यॉट लवर ज़्यादा यहाँ पे, ये सारे गेस्ट एम्बार्केशन चालू है देखो। और पीछे हमारा शिप, उसके बीच की मैं आपको एक्टिविटी बता नहीं पाया, पर जाते टाइम भी आपको बताता हूँ वो एक्टिविटी भी, स्मॉल स्मॉल बोट और कैसे फन कर रही पब्लिक। यहाँ से देखो जी पूरी सिटी, यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है फुल सिटी का। ये है पूरी गैस्पे की, कनाडा की मेन सिटी। जब बीच में जाते टाइम देखो शिप वहाँ पे लगा है, वहाँ से मैं आया था। और वहाँ से आते आते देखो चला भी रहा हूँ साथ में और वीडियो ब्लॉग भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में देखो दिख रही है आपको सेलिंग बोट है, ठीक है, जो इसके कर्टन लगे हैं, जो इसके पर्दे दिख रहे हैं ना, ये इससे भी चलती है और बाई मोटर भी चलती है, विंड की डायरेक्शन से चलती हैं बोटें, ठीक है। और जो बीच में वेसल दिख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े वेसल दिख रहे हैं, कोस्ट गार्ड के वेसल, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है, कैनेडियन कोस्ट गार्ड है, मतलब पुलिस का काम करते हैं, सी पेट्रोलिंग करते हैं। अपना अब इतने ट्रिप हो गए तो तेल भी गाड़ी का ख़त्म हो रहा है, तो अब गाड़ी में तेल भरवाना है। क्या बोलते हमारे फायरमैन जी, गाड़ी में तेल, गाड़ी में तेल गलेगा ता करके तो चलनी है। हाँ ता ही चलनी है गाड़ी भाजी, ये तेल है इसमें, अब तेल भी डालना गाड़ी में, ठीक है, क्योंकि बहुत ट्रिप लग गए, इसमें भी एक कैपेसिटी होती है, हाफ गैस नीचे चला गया है, तो तेल भरने अभी इसमें, ठीक है। तो तेल का यहाँ पे सिस्टम है, पाइपलाइन है पूरी, सिर्फ वाली खोलना होता है, सिस्टम पूरा चालू पीछे से, ये देख सकते हैं पाइपलाइन दी है यहाँ से। तो मेन यहाँ पे जो जंक्शन पीछे से कनेक्शन हुआ, ये पूरी पाइपलाइन का पीछे से वाल ही ओपन करना होता है, जो अपना ये वाल है, अलग अलग कनेक्शन है सारे वेसल का, हमारे वेसल का ऐसा सिस्टम है। तो अभी पाइपलाइन में पूरा टैंक नीचे लोड हो रहा है, ये देख सकते हैं पाइपलाइन दी है यहाँ से। तो मेन यहाँ पे जो जंक्शन पीछे से कनेक्शन हुआ, ये पूरी पाइपलाइन का पीछे से वाल ही ओपन करना होता है, जो अपना ये वाल है, अलग अलग कनेक्शन है सारे वेसल का, हमारे वेसल का ऐसा सिस्टम है। तो अभी पाइपलाइन में पूरा टैंक नीचे लोड हो रहा है, कम से कम 100 लीटर तक डाल देते हैं हम, 100 लीटर का टैंक, एक टैंक की कैपेसिटी तो 800 लीटर है राइट, तो हमारा भी 100 लीटर तक डाल लेंगे, 100-200 लीटर तक डालेंगे, जितना भी इनका एम्प्टी हो रखा है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक, हाँ ये ब्लॉक जो है ये आगे लगते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है, जो पहले हुआ था डिस्कनेक्ट, जब हम ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे अटैच होंगे ब्लॉक, क्योंकि मैनुअल लगाने पड़ेंगे भाई हैंड, तो ये ब्लॉक होते हैं ये। शाम हो चुकी है, ब्लॉक बनाते बनाते सुबह से लगा था, देख सकते हैं, सारा बता दिया यार भाइयों सभी आपको जो भी मैं बता सका। और अभी शाम हो गई है और भाई मेरे ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं, इतने थक चुके हैं तो फिर भी हंस रहे हैं, वो क्लोजिंग का टाइम है, शाम पूरी हो गई, पूरा शाम का 6 बज गए हैं, तो वैसे अभी निकलने वाला है 1 घंटे में, तो अब बोटें भी उठा लेंगे, दिखा नहीं पाया बोटें उठाने का प्रोसीजर, सेम ही है हुक डलेगी और वो गिव अप कर लेंगे वैसे। यार गिव अप नहीं करना है, कोई हारना नहीं है कहीं भी, और मिलते हैं किसी नई दुनिया और नई कंट्री में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।